एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यूट्यूबर सुधा फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा आज का, और आपको समझ में आ गया कि आज मैं आप लोगों के साथ अपना साड़ी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास अभी जितनी भी साड़ियां हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उनका दिखाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको यूं ही देखने को मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी सारी जो साड़ियां हैं वो एक ही ब्लॉग में नहीं कवर हो पाएंगी, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा और फिर वीडियो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आएगी मुझे यहाँ गांव में। तो इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा ही, आधा ही करूंगी और आधा नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, आप लोग ढेर सारे लाइक्स करते हो, 500 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पे, खूब शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से लाइक करवाइए, खूब सारा लाइक करवाइए। तो जल्दी ही मैं सेकेंड वीडियो भी लेके आ जाऊंगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपना साड़ी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन सी मेरी साड़ी कहाँ से ली है और कितने की है, और मुझे कौन सी पसंद है, कौन सी आप लोगों को पसंद आ रही है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी पसंद में आ रही है, और फिर हम देखेंगे कि मुझे और आपको दोनों को कौन सी साड़ी साथ में पसंद आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी ये पर्पल कलर की, पर्पल नहीं, दो कलर मिक्स है इसमें। ये हाफ एंड हाफ साड़ी है, नेट की है और पल्लू इस तरह का चंदेरी वर्क का है, ये चंदेरी वर्क बोला जाता है। तो इस तरह की साड़ी है ये मेरी, और खोल के दिखाती हूँ इसको। तो ये देखिए, इस तरह का इसका बॉर्डर है और ये इसका पल्ला है। पल्ले पे पूरा मोती का वर्क है, चंदेरी वर्क का पल्ला है, और साथ ही साथ जो पूरी फुल साड़ी है वो नेट की है और क्रीम कलर की है। तो कुछ इस तरीके से इसके बॉटम पे वर्क है, आप देख सकते हैं, ये पूरा व्हाइट थ्रेड वर्क है और ये गोल्डन थ्रेड वर्क है, और इस पर भी मोती का काम हुआ है, और नीचे बॉर्डर इस तरीके का है और नीचे भी वर्क है। तो ये पूरा हाफ साड़ी पे पूरा वर्क आता है, और नेट की साड़ी है। इस पे साटिन का जो पेटीकोट है इसके अंदर, वो जो चमकने वाला कपड़ा होता है साटिन वाला, उसका पेटीकोट है इसके अंदर। तो पहनने पे इसका बहुत ही सुंदर लुक आता है। ये साड़ी मैंने साल, कौन से साल में खरीदी थी एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे याद है कि मेरे भाई हैं एक बड़े पापा के बेटे, उनकी शादी में मैंने ये साड़ी खरीदी थी, और मैंने उस टाइम मैंने ये साड़ी पहनी थी। तो जिसने जिसने भी देखी थी बहुत तारीफ की थी इस साड़ी की, बहुत ही सुंदर लगती है ये पहनने मेरे ऊपर, कोई भी पहने साड़ी को, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये हो गई मेरी पहली साड़ी। तो इस तरीके से इसको आप लहंगा पैटर्न में भी बांध सकते हैं, क्योंकि इसका फुल जो वर्क है इस तरीके से है, कब इसको लहंगा पैटर्न में भी बांध सकते हैं और सिंपल भी बांध सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके इसका पल्ला है। तो ये हो गई फर्स्ट साड़ी, अलग करते हैं, ये सारे काम भी मेरे लिए इकट्ठा होता चल रहा है, साड़ी साड़ियों को खोल खोल के दिखाऊंगी, तो फिर फोल्ड भी करना होगा। और ब्लाउज है इसका, ये सिंपल ही, मैं सिंपल ही ब्लाउज सिलवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो कल्चर है, तो हमारे ससुराल साइड में घूंघट वगैरह पल्ला वगैरह चलता है, और साड़ियाँ ज्यादातर मैं ससुराल में ही पहनती हूँ। तो घूंघट पल्ले में कितनी भी अच्छी डिजाइन करा लो, कोई मतलब नहीं है, दिखता ही नहीं है, तो क्या फायदा पूरा घूंघट में ऐसे करके, पूरा पीछे का, हाथ का, कितना भी बैक में डिजाइन करा लो या फिर अपने स्लीव्स में डिजाइन करा लो, कोई मतलब नहीं है, सब ढक जाता है। तो ये मेरी फर्स्ट साड़ी थी, और इसका पेटीकोट देखिए, ये है जो भी मैं आपको बता रही थी, तो कुछ इस तरीके का इसका पेटीकोट है। तो जब ये साड़ी इसके ऊपर आती है तो इस तरीके से इस पे शाइन रहता है, सुंदर लगती है। तो ये हो गई फर्स्ट साड़ी, और मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है ये, सेकंड साड़ी है, और बहुत हैवी नहीं है, पर इसका लुक बहुत अच्छा लगता है पहनने के ऊपर। तो आपने इसे मुझे पहने हुए देखा, बदेवरा नाथ वाला ब्लॉग मेरा आप देखेंगे अगर, तो उसमें मैंने ये पहना हुआ है। एकदम डीप रेड साड़ी है, इसमें कलर थोड़ा इसका डिफरेंट दिख रहा है, बट एकदम रेड साड़ी है वो, और इसका वर्क कुछ इस तरीके से है। ये लेस लगी है ऐसे नेट के ऊपर, धागे से कढ़ाई है, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी है, और इधर नेट वाला कपड़ा है, दो तरीके का कपड़ा इस तरह से जोड़ के, और इस पर नेट वगैरह लगा के इसको बनाया गया है। और पूरी साड़ी प्लेन है, बस इसके नीचे के बॉर्डर पे ही, ऊपर नीचे के बॉर्डर पे ही इस तरीके का वर्क है,
और ये साड़ी पहनने पे बहुत अच्छी लगती है। ये दिल्ली की साड़ी है मेरी, ये दिल्ली से चांदनी चौक की खरीदी हुई साड़ी है और इसे मैंने नहीं खरीदा था, इसे मेरी एक सिस्टर इन लॉ है दिल्ली में रहती, मेरी कजन सिस्टर इन लॉ है, बड़े पापा की बेटी है बड़े ससुर जी की, तो उनसे मैंने ये साड़ी खरीदवाई थी, वो चांदनी चौक जा रही थी तो मैंने उनको पैसे दिए, मैंने कहा दीदी मेरे लिए भी लेते आइएगा साड़ी पसंद करके, और मैंने उनको बताया था कुछ शादी ब्याह में पहनना है तो थोड़ा रेड टाइप का, थोड़ा इस टाइप का लेके आइएगा, थोड़ा मतलब लाल गुलाबी इस टाइप का कलर, तो उन्होंने एकदम ही रेड ले ली। और जब उन्होंने ये साड़ी मुझे लाके दी थी ना, तो मुझे सच पूछो तो इतनी पसंद नहीं आई थी, मैंने कहा कि एकदम ही रेड ला दी दीदी ने, रेड बोला था तो, बट यकीन मानिए जब मैंने इस साड़ी को पहना है ना, जब इसको तैयार करके पहना है, इतनी अच्छी लगी ये साड़ी मुझे कि आज मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है, एकदम हल्की है, कहीं आने जाने में भी मैं इसको पहन लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें ना आपको भारीपन फील नहीं होता, ऐसा लगता नहीं कि बंधे हैं, कोई कोई साड़ियों में इतना भारी होती है लग जाता कि बंध गए हैं पहन के, पर ये साड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है, तो थैंक्स टू दीदी, दीदी की पसंद बहुत अच्छी है और ये साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है, तो सिंपल होती है भी बहुत खूबसूरत है। तो ये हो गई मेरी दूसरी साड़ी। फिर कभी भी क्या होता है ना, कोई साड़ियां ना देखने में अच्छी नहीं लगती हैं, बट उनको आप तैयार करके पहनते हो ना तब वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो इस तरीके की वाली साड़ी थी। तो भी ये तीसरी साड़ी मेरी ये वाली काफी हैवी है और इसे मैंने भी ड्राई क्लीन करा के इस तरह से पन्नी नहीं रहने दिया है, और ये साड़ी मैंने खरीदी थी यार, ये मैंने खरीदी थी 2012 या 13 में, 2013 की साड़ी है ये, और इस तरह से इसमें पूरा देखिए बीड्स का वर्क है, सितारा और मोती की कढ़ाई है, इसे दिखाती हूँ, पूरा नहीं खोलूंगी क्योंकि अभी ये ड्राई क्लीन हो क्या है, ऐसी अच्छी रखी हुई अच्छी लग रही है, तो ये देखिए इस तरीके से पूरा इसका हैवी वर्क है, काफी हैवी, हाथ में लेने में भी हैवी लग रही है, तो मैंने अभी इसको खोला ही नहीं है जब तक ड्राई क्लीन होके आई है मैंने, और इसको वेडिंग वगैरह में ही पहन पाते हैं क्योंकि भारी बहुत है, तो इस तरीके से देखिए बहुत ही खूबसूरत साड़ी लगती है, मैंने इसको कई बार पहना है फिर भी इससे मेरा दिल नहीं भरता है, बहुत सुंदर लगती है मुझे ये साड़ी। तो ये मैंने मेरी जो छोटी सिस्टर इन लॉ, जिनको आपने राखी ब्लॉग में देखा है रियल मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ, उनकी शादी में मैंने लिया था, तो मैं इकलौती सगी भाभी हूँ तो भाई भाभी को थोड़ा खास तो होना चाहिए, तो तब तो 2013 में ये उसका ट्रेंड था बहुत ज्यादा, तब मैंने ये साड़ी खरीदी थी और मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी ये साड़ी। और फिर मेरी ये साड़ी आती है ये एक और साड़ी, ये भी मुझे बहुत पसंद है, तो ये साड़ी को आपने देखा होगा, मेरी बहन के जो बेटी हुई है उसका मोर पूजा हुआ था तो उसमें मैंने पहना था, उनके ससुराल गई थी बहन के ससुराल तो पहना था ये साड़ी, ये देखिए बहुत ही प्यारी साड़ी है, बीच बीच में ऐसी एम्ब्रॉयडरी है हर जगह पूरी साड़ी में, और ये इसका लेस है और पूरा ये थ्रेड वर्क है और नग वगैरह चिपकाए हैं, काफी नग तो निकल भी गए, देखिए मैंने इसको एक दो बार घर में इसको वॉश कर दिया था तो इसलिए ये इस तरीके से इसके बीच थोड़े निकल गए, बट फिर भी ये अभी अच्छी लगती है, तो इसका कलर भी इतना अच्छा है, एकदम हल्का आंखों को सूट करने वाला कलर ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है ये साड़ी मेरे ऊपर, बहुत पहनी हुई अच्छी लगती है, तो ये एक साड़ी, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और एक है ये साड़ी, ये सारी हैवी साड़ियां मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी जो ब्राइडल है या पार्टी वियर है, तो ये एक और साड़ी है, इसको आपने मुझे पहने हुए देखा होगा माघ मेला में जब मैं गई थी मेरे ससुर जी के टेंट पे, जो हम लोग माघ मेला गए थे, कथा हुआ था उसमें पहना था मैंने, और मेरे मायके भी गई थी अभी दिसंबर में तभी पहना था, तो आपने उस ब्लॉग में भी देखा होगा, तो ये पूरा मोतियों का वर्क है, आप देख सकते हैं बीड्स वर्क है, और पूरी ये साड़ी में ऐसे ही पूरा बॉर्डर है और जगह जगह पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है, ये साड़ी गिफ्टेड है, ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था मुझे, तो ये भी साड़ी अभी दिसंबर से ही है मेरे पास, अभी नई नई आई है, तो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है और येलो कलर में है तो अच्छी लगती है मुझे, और कभी शादी वगैरह में किसी की हल्दी सेरेमनी हो कुछ हो तो येलो पहनने में आ जाती है काम, तो येलो साड़ी ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो ये भी है, ये सारी साड़ियां हैं जो मेरे पास बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो एक साड़ी मेरे पास ये है ऑरेंज कलर की, पहले मुझे लगता था कि मेरे ऊपर ऑरेंज कलर इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट पहनने पे अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसको मैं पहनने लगी हूँ, वरना मैं एकदम डार्क ऑरेंज कभी भी नहीं पहनती थी, मुझे लगता था कि मेरे कॉम्प्लेक्शन के साथ अच्छा नहीं लगेगा, बट पहनने पे अच्छे लगते हैं, तो ये एक साड़ी हो गई मेरी। और कुछ साड़ियां हैं जो एकदम ही हैवी हैं, तो उनको मैंने पॉली बैग्स में रख रखा है, और
एक साड़ी मेरी ये है, तो इसका जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, काफी चौड़ा बॉर्डर है, काफी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसमें, काफी भारी है ये। और इसका जो कपड़ा है ना, इसको पहले जमाने में, मम्मी लोगों के जमाने में इसको धूप छांव वाला कपड़ा बोला जाता था, क्योंकि क्या होता है जब लाइट पड़ती है ना तो ये गोल्डन दिखती है, और जब थोड़ी छांव सी आती है ना तो एकदम पिंक दिखती है, तो इस कारण इसको धूप छांव पहले के जमाने में बोला जाता था। और आज वापस से इसका फैशन वापस से आ गया है, वापस से चल रही है साड़ी, तो मैंने खरीदी और मुझे काफी पसंद है। मैंने इसे मेरे एक भाई है उनकी शादी में पहना है, फिर आपने पिछले साल के ललही छठ के व्लॉग में देखा होगा मैंने पहना हुआ है, और काफी टाइम पे ओकेजन पे पहनती रहती हूँ। देवर की शादी में पहना है तो बहुत बार साड़ी को भी पहना है मैंने। फिर मेरी सबसे हैवी और सबसे एक्सपेंसिव साड़ी अभी दिखाने जा रही हूँ आपको। तो ब्लाउज आप सबके सिंपल ही देख सकते हैं, इस तरीके से देखिए, थोड़े लेस वगैरह लगा के, और ये इस तरीके से ब्लाउज है इनके। और ये साड़ी मेरी लहंगा पैटर्न में है, पर बहुत ही भारी है, इसको जल्दी पहनने की नहीं सोचती हूँ मैं। और मैंने इसको उल्टा फोल्ड करके रखा है ताकि इसके जो बीट्स वगैरह हैं वो काले ना पड़े, गोल्डन कलर में है तो मुझे किसी ने बताया था कि इनको उल्टा फोल्ड करके रखो तो ये इनकी एम्ब्रॉयडरी खराब भी नहीं होती और इनका कलर भी खराब नहीं होता, तो मैंने इसको उल्टा फोल्ड करके रखा हुआ है। तो चलिए आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये इसका जो पूरा वर्क है ना, जैसे आप लहंगे का वर्क देखते हैं, लहंगे वाला पूरा वर्क मिलेगा आपको, जैसे लहंगे के ऊपर जो कढ़ाई होती है ना जरी वाली और गोल्डन धागे से और मोती और सितारे वगैरह, उस तरीके से। तो कुछ इस तरीके की है ये साड़ी। तो इसका बॉर्डर है ऐसे, तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं इसका जो वर्क है इस तरीके से, उसमें पैरेट वगैरह बने हुए हैं, फूल पत्तियां बनी हुई हैं, और पूरा इसका वर्क इस तरीके से है। और ये पूरा ऊपर नीचे दोनों तरफ से इतना इतना ही चौड़ा वर्क है पूरी साड़ी में ही, कैसे दिखाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से इसका वर्क है पूरा। और ये साड़ी मेरी इस तरीके से, एक बार मैं इसको पल्ला लेके दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से कुछ आती है। और इसका कलर जो है एकदम थोड़ा रानी कलर टाइप पिंक होता है वैसा है, और कितना सुंदर लगता है ये, बहुत ही सुंदर साड़ी लगती है। बट इसमें गर्मी भी बहुत लगती है, अगर गर्मी के टाइम में इसको पहनते, सर्दियों में पहन सकते, सर्दियों की जो शादियां होती है ना उनमें आप पहन सकते हो आराम से, बहुत सुंदर लगेगी। बट गर्मियों में सोच भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही हैवी है, बहुत भारी है, लहंगे जितना इसका वजन है, और पूरी पूरी साड़ी में ही फुल एम्ब्रॉयडरी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी साड़ी में है फुल एम्ब्रॉयडरी है, बीच बीच में बस ये बूटे छोटी छोटी बनी हुई है, और दोनों किनारों पे इतनी ही चौड़ी एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हो। तो ये है सबसे एक्सपेंसिव साड़ी मेरी, ये साड़ी मुझे पड़ी थी दिल्ली से ही ली थी मैंने इसे, ये पड़ी थी मुझे 5000 की, इससे ऊपर की एक्सपेंसिव साड़ी नहीं है और मैं इससे ऊपर पैसे लगाऊंगी भी नहीं कपड़ों में या साड़ियों में। ये काफी सबसे ये हद तक की साड़ी है मेरी, क्योंकि मैं कपड़ों में इतना ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहती। और ये साड़ी ली थी मैंने मेरी सिस्टर की वेडिंग में, मेरी रियल सिस्टर, छोटी सिस्टर की वेडिंग में, और मैंने इसे एक बार ही पहना है, तो कैरी करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये देखिए इस तरीके से इसका फुल लुक, कभी मैं आप लोगों को जब इसको पहनूंगी तो जरूर शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये है इसका फुल लुक, इस तरीके से इसका बॉर्डर है। तो ये थी मेरी सबसे महंगी वाली साड़ी। तो फ्रेंड नेक्स्ट साड़ी जो मेरी है, ये साड़ी भी मुझे काफी पसंद है, इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत सूदिंग कलर लगता है। और ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने भेजी थी द्रोही के फर्स्ट बर्थडे पे, द्रोही का बर्थडे जो है वो द्रोही का जो बर्थडे है वो खिचड़ी के त्योहार पे पड़ता है, खिचड़ी का त्योहार यानी मकर संक्रांति का त्योहार। और मकर संक्रांति के त्योहार के टाइम पे हमारे यूपी में रिवाज है कि बेटियों को साड़ी दी जाती है, साड़ी भेजी जाती है, तो मम्मी ने मुझे ये साड़ी भेजी थी। और द्रोही का बर्थडे भी था उस दिन, 15 जनवरी को ही आता है द्रोही का बर्थडे, और उस दिन मकर संक्रांति पड़ जाती है, किसी साल 14 को पड़ती है, किसी को 15 को पड़ती है, तो उस साल 15 को पड़ी थी, तब मम्मी ने भेजी थी ये साड़ी।
और ये सिमर वाली साड़ी इसको बोला जाता था। इस तरह से इसमें छोटी छोटी चमकीली हुई ये लगी हुई है, ग्लिटर्स लगी हुई है, ग्लिटर्स की बूंदी बूंदी सी लगी हुई है, और इस तरीके से इसका लेस है। ट्राई करिए कि मेरा भी दिखाना, तो मैं आपका भी दिखाऊंगी। तो ये देखो इस तरीके से ये साड़ी है, और बस पूरे साड़ी में ऐसा लेस है और मिरर, इस पर पूरा मिरर वर्क है और लेस लगी हुई है, और इस तरीके से साड़ी है, पूरा ग्लिटर वर्क है। पहनने पे बहुत सुंदर लगती है और हल्की है, तो मैं इसे छोटे मोटे ओकेजन में पहन लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये थी मेरी सारी हैवी हैवी साड़ियाँ जो ब्राइडल या पार्टी वेयर साड़ियाँ होती हैं। तो ये पूरा आज के व्लॉग में हो गई, और व्लॉग काफी लंबा भी हो गया है, मुझे देखता है अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इतना मेहनत कर रही हूँ, तो लाइक किए बिना मत जाना, लाइक कर देना और ढेर सारा लाइक करो, ताकि जल्दी से आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊं, नेक्स्ट मेरा साड़ी कलेक्शन लेके आऊं। अभी घर में जो डेली वेयर या हल्की या छोटे फंक्शन में पहनने वाली जो साड़ियां होती है वो साड़ियां दिखानी है, प्लस मेरी ब्राइडल साड़ियां, वो साड़ियां जो मेरी शादी में मुझे मिली थी मायके से और ससुराल से दोनों साइड से, वो सारी साड़ियां, काफी साड़ियों का कलेक्शन है अभी मेरे पास, तो वो साड़ी आपको दिखानी बाकी है। कल देखना है तो जल्दी जल्दी लाइक करिए और चैनल पे शेयर कर दीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में, लाइक जल्दी जल्दी करिए, तो मैं जल्दी से वीडियो लेके आऊंगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी ही लेके आऊंगी नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए मेरा इंतजार करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर के बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलती हूँ, बाय बाय।